Today we will learn what is a molecular mass and how to calculate the molecular mass. How to calculate it. First of all, we will define the molecular mass. The molecular mass of a substance is the sum of the atomic mass of the substances of all the atoms in a molecule. It is the sum of atomic masses of all the atoms in a molecule. एक मॉलिक्यूल दे वे जिन्ने भी एटम्स है गया सब द एटॉमिक मास ले लिया इन उसी बोलना के मॉलिक्यूलर मास एंड इट्स यूनिट्स आर यू. वी विल क्लियर इट बाय एन एग्जांपल. टेकिंग एन एग्जांपल, द एग्जांपल इज ऑन पेज नंबर 40 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन. दिस इज ऑन पेज नंबर 40 ऑफ योर एनसीईआरटी. फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, इट इज द 2 × 2 टाइम्स हाइड्रोजन आ रहा है, 2 × अटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का अटोमिक नंबर भी एक होंगे, मास अटोमिक मास भी एक होंगे. इट इज द 2 units, 2 units. नाउ मूव टू द सेकेंड वन, दैट इज द ऑक्सीजन. इट इज द 2 × ऑक्सीजन. सो वी विल कैलकुलेट द अटोमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एज इट इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. 2 × अटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. हम ऑक्सीजन का अटोमिक नंबर साढ़े को 8 होंगे, तो यह मास नंबर होंगे 16. 2 × 16 दैट इज द 32 units. सिमिलरली फॉर CH4 इट इज द मीथेन. मीथेन, इट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन. हाउ कैन वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन? इट इज द, इट कंटेन्स 1 atom ऑफ कार्बन एंड 4 atoms ऑफ हाइड्रोजन. सो वी विल राइट इट एज द अटोमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 × अटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन. कार्बन का अटोमिक नंबर होंगे 6, मास हो गया था 12 प्लस 4 × हाइड्रोजन का 1 ही आता है. 12 + 4 इज इक्वल टू 16 units. नाउ ट्राई टू राइट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द, दैट इज द C2H6 कॉल्ड इथेन. C2H4 इट इज द इथीन. बच्चे का नाम इथीन, यदा नेम है अथेन. नेक्स्ट वन इज द अमोनिया. NH3 इज द अमोनिया. CH3OH इट इज द मेथानोल. इट्स नेम इज द मेथानोल. वन मोर एग्जाम्पल इज द क्लोरीन मॉलिक्यूल. कार्बन डाइऑक्साइड. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑल दीज मॉलिक्यूल्स. नाउ मूव टू द फॉर्मूला. नेक्स्ट आर्टिकल इज द फॉर्मूला यूनिट मास. फॉर्मूला यूनिट मास, इट इज सेम एज द मॉलिक्यूलर मास, बट द डिफरेंस इज दैट इट इज यूज फॉर द आयोनिक कंपाउंड्स. जेडे साढ़े को आयनस से बने होंगे, जिद पॉजिटिव नैगेटिव की कॉम्बीनेशन होंगी, मीनस कैटाइन से एनआइन आता है, वह असं यूज करा आयो फॉर्मूला यूनिट मास. द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ अटोमिक मासिज ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट कंपाउंड. इट इज ऑल्सो द सम ऑफ अटोमिक मासिज ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फॉर्मूला कंपाउंड. यूनिट ऑफ अ कंपाउंड, फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड एंड मेमोराइज इट. इट इज यूज्ड ओनली फॉर द आयनिक कंपाउंड्स. वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड. इट इज मेड अप ऑफ आयन सोडियम एंड क्लोरीन. सो वी विल कैलकुलेट इट इज फॉर्मूला यूनिट मास. फॉर्मूला यूनिट मास, इट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम. Atomic mass of sodium ion
एटॉमिक मास ऑफ क्लोराइड, इट इज द सोडियम द 23, ए 35.5, इट विल बी द 58.5 ते यूनिट दे साडे कोल की आ सेम रहनगे, यूनिट साडे कोल दे सेम आनगे। नाउ द एग्जांपल्स ऑन द सेम पेज, दैट इज पेज नंबर 40, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ द जिंक आयन। नेक्स्ट इज द सोडियम ऑक्साइड, दिस इज द जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड द पोटाशियम कार्बोनेट। गिवन दैट द एटॉमिक मास ऑफ जिंक इज 65 यूनिट्स एंड दैट ऑफ द ऑक्सीजन इज द 16 यूनिट्स। आई विल सॉल्व ओनली दिस एग्जाम्पल, वी विल राइट इट एज द एटॉमिक मास ऑफ द जिंक प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, इट इज द 65 यूनिट्स प्लस 16 यूनिट्स ऑन एडिंग वी विल गेट द 81 यूनिट्स, दैट इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ द जिंक ऑक्साइड।